गुड इवनिंग फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे चीफ मिनिस्टर्स फेलोज सी एम आसाम जो है गवर्नमेंट ऑफ आसाम का ये फेलोशिप है चीफ मिनिस्टर्स आत्मनिर्भर आसाम अभियान राइट right? इस फेलोशिप की बात करेंगे और इसके साथ साथ अभी और बात करेंगे कि कौन कौन से फेलोशिप हैं जो अभी करेंटली रनिंग है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो और प्रीवियस फेलोशिप जो चल रहे हैं उनके क्या अपडेट्स हैं जैसे गांधी फेलोशिप यूपी का सीएम फेलोशिप लैम फेलोशिप एन ई तो बहुत बेसिक में आपको ब्रीफ में पहले मैं आपको बता देता हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड की इस फेलोशिप में क्या क्या क्राइटेरिया है राइट सो दिस फेलोशिप इज फॉर टू ईयर्स दो साल का फेलोशिप है सिलेक्टेड फेलो जो है वो सीनियर लीडरशिप ऑफ गवर्नमेंट आसम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ आसाम के साथ काम करेंगे सिक्स लैक पर एन यानी कि फर्स्ट ईयर में आपको पचास हजार रुपये पर महीने का रिमेंडेशन है सेकेंड ईयर में इंक्रीमेंट होगा जरूर इसलिए इन्होंने फर्स्ट ईयर लिखा है अब एप्लीकेंट जो हैं वो बाद में उनको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा यूनिवर्सिटी ऑफ आसाम किसी भी एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से जिस जो जिसका वो पार्ट रहेंगे और चीफ मिनिस्टर के सिग्नेचर वाला एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा ठीक है पर्सनली जो मिलेगा आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड रहेंगे और फेलो जो हैं वो क्लोजली वर्क करेंगे ऑनटरप्रनोर्स के साथ जो सिलेक्ट होते हैं चीफ मिनिस्टर्स आत्मनिर्भर आसोम अभिजान ठीक है ये प्रोग्राम है इस प्रोग्राम के अंदर चीफ मिनिस्टर्स फेलोज का रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जो लोग इसमें सीरियसली इंटरेस्टेड है लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और शॉर्ट डिटेल उनके लिए जिनको समझ लेना चाहिए कि हमारे लिए है कि नहीं एप्लीकेंट्स शुड साइंसेज पब्लिक पॉलिसी डेवलपमेंट स्टडीज एंड मेरिटोरियस रिकॉर्ड इन द फाइनल ईयर ऑफ डिग्री फ्रॉम रेपेड यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन आदर आपका एम बी ए हो या एम बी ए कोई डिग्री हो या फिर आपका एम ए हो सोशल में आपके बहुत सारे अलग अलग आ जाते हैं आपके एम एस डब्ल्यू सोशोलॉजी पोलिटिकल साइंस इस तरह के जो सोशल साइंसिस आस पास मास कम्युनिकेशन उसमें पब्लिक पॉलिसी डेवलपमेंट स्टडीज इन सब में अगर आपका मास्टर्स हैीमियर इंस्टीट्यूशन थोड़ा like सा भेदभाव वाली बात लगती है लेकिन ठीक है एग्जैक्टली exactly को लेंगे मस्ट बी फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड हिंदी हिंदी और इंग्लिश में आपकी फ्लूएंसी होनी चाहिए लोकल लैंग्वेज अगर आपको आती है तो एक्स्ट्रा वेटेज एड करेगा एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के थ्रू गुजरना पड़ेगा सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल पार्टिसिपेट इन कैंडिडेटेट ओरिएंटेशन प्रोग्राम जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो जैसे आपको पता है कि चीफ मिनिस्टर हेमंत विश्व शर्मा जो आसाम के चीफ मिनिस्टर है उनका डायरेक्ट इंटरवेंशन है मीन उनकी डायरेक्ट साइन किया हुआ सर्टिफिकेट आपको मिलेगा तो जैसे अलग अलग जो अलग अलग स्टेट के जो फेलोशिप्स होते हैं उसी तरह का अच्छा फेलोशिप है तो सीएम एम जो मिनिस्टर्स का जो फेलोशिप है इसका मैं डिटेल में जीडी आपके सामने पढ़ता हूँ सो दैट यू गेट लार्जर अंडरस्टैंडिंग कि ये जो प्रोग्राम है वो क्या है सो so, असम ने एक विजन सेट किया है अचीविंग फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल इन द नॉन फार्म सेक्टर बाई ट्वेंटी ट्वेंटी सो बेसिकली ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ बिकॉज कोई भी एक फेलोशिप प्रोग्राम या कोई भी पॉलिसी या कोई भी स्कीम एक लार्जर पॉलिसी या लार्जर विजन का हिस्सा होता है और जब तक आपको वो लार्जर विज़न समझ में नहीं आएगा आपका रोल आपका रिक्वायरमेंट और आपको क्यों सिलेक्ट किया जा रहा है ये आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आपको क्यों सिलेक्ट किया जा रहा है तब तक आप ये नहीं समझ सकते हैं कि आपको कैसे अपने आप को पिच करना है सो बेसिकली नीड समझ लो कि मेरी ज़रूरत किसी को क्यों है उसी तरीके से आप उसको पिच करो कि भाई तुम्हें मुझे मेरी जरूरत इसलिए है और मैं इस जरूरत को फुलफिल करूंगा तो नॉन फार्म सेक्टर को मैं ऑन्टरप्रिनरशिप अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने के लिए टॉप फाइव बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में आने के लिए आसाम ये कर रहा है तो उन्होंने एक चीफ मिनिस्टर आत्मनिर्भर आसाम अभियान करके प्रोग्राम चलाया है इसमें क्या होगा कि ये अनएम्प्लॉयड यूथ को हेल्प करेंगे टू बिकम सेल्फ रिलायंट By providing them with आप है, है, है? इससे पढ़ सकते हो जेडी का में लिंक डाल दूंगा इन्होंने चीफ मिनिस्टर आत्मनिर्भर जो प्रोग्राम है ठीक है नॉट दिस फेलोशिप प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के लिए वेबसाइट बना के रखा है तो हो सकता है कि आपको ये कन्फ्यूजन हो जाए कि टोटल एप्लीकेशन इतना हो गया नो no. एप्लीकेशन जो ये है वो है सी एम ए एसम अभियान दिस इज डिफरेंट स्कीम ये आसाम के यूथ के लिए है जो कि आसाम के यूथ कोई भी ऑन्टरप्रिनशिप का रास्ता चुनना चाह रहे हैं उनके लिए है और उनके ये रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन है फेलोज का स्कीम डिफरेंट है अलग है ठीक है ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ पे देखोगे एप्लीकेशन शुड बी परमानेंट रेजिडेंट ऑफ आसाम और अट्ठाइस साल से ऊपर एंड ऑल दैट दिस इज प्योरली फॉर द चीफ मिनिस्टर्स आत्मनिर्भर आसाम अभिजोन जिसके लिए फेलो रिक्रूट किया जा रहा है तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज नॉट फॉर यू दिस इज डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट इज नॉट फॉर फेलोज राइट सो डोंट कन्फ्यूज कि हम तो आसाम के कैंडिडेट नहीं है हम तो आसाम के लोग रहने वाले नहीं तो हम नहीं कर सकते हैं ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है तो नहीं कर सकते हैं यू डोंट नी दिस क्राइटेरिया राइट ऑब्जेक्टिव क्या है दिस इज अबाउट द दिस प्रोग्राम इस प्रोग्राम को अच्छे इंप्लीमेंटेशन के लिए आपका रिक्रूटमेंट हो रहा है आई होप आई एम वेरी क्लियर तो इस प्रोग्राम के बारे में यहां से आप समझिए हाउ टू अप्लाई वगैरह का इसमें आप अप्लाई मत कर दूसरा एक जो कंफ्यूजन होगा डोंट अप्लाई इन टू दिस लॉग इन राइट डोंट अप्लाई टू दिस राइट रजिस्ट्रेशन अप्लाई फॉर स्कीम एंड स्कीम बेनिफिट डोंट अप्लाई दिस बिकॉज ये आपके लिए नहीं है दिस इज द प्रोग्राम्स आई विल गिव यू द लिंक दिस इज द स्क्रॉल रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर चीफ मिनिस्टर इस पे आप क्लिक करोगे आई विल गिव यू द लिंक पे आपको इंटरेस्टेड कैंडिडेट मेक यहाँ पे आपको डिटेल्स मिलेंगे जेडीस के राइट right? और ये है आपका लिंक अप्लाई करने का राइट सो डोंट कन्फ्यूज ठीक है और आपको कोई ये कहे कि नहीं इसमें तो सिर्फ आसाम के लोग अप्लाई कर सकते हैं ऐसा कुछ भी इन्होंने अभी तक एडवर्टीजमेंट में लिखा नहीं है लेट्स अंडरस्टैंड इट फॉर द Eligibility जो मैं पढ़ा था एम बी एम बी ए के इक्वलेंट मास्टर्स इन सोशल इंक्लूडिंग एम एसडब सोशलॉजी डेवलपमेंट स्टडीज मेरिटोरियस रिकॉर्ड के साथ अगर आप कर लिए हो या फिर यू आर इन द फाइनल ईयर ऑफ द डिग्री राइट एकेडमिक ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर्टी फ्रॉम द रेप यूनिवर्सिटी जो उन्होंने बोला था सिक्सटी परसेंट मार्क्स आपका होना चाहिए <coughs> अब

आपसे पूछा जाएगा भाई आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो ऑबियसली आप इस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हो क्या बेनिफिट मिलेगा आपको इससे हैव आप रिटन उन्होंने खुद ही बोला है कि भाई ह्यूज ऑफ नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ नर्च इनोवेशन एंड वर्किंग विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड बैंक्स पार्टनरिंग विद यूनिवर्सिटीज ट्रेनिंग एंड ऑल ये आपको होगा टाइम लाइन ऑफ इसका क्या है ट्वेंटी थर्ड फेबर यानी कि कल जारी हुआ है और आठ मार्च इसका लास्ट डेट है ओके okay? सो so, ये जे डी आपको हो आई होप समझ में आ गया होगा ये जो एप्लीकेशन का जो वेबसाइट है वो ये है बट डोंट कन्फ्यूज अगेन कि इस एप्लीकेशन में यहाँ पे डायरेक्ट आपको एप्लीकेशन नहीं करना है यू नीड टू गो टू द दिस लिंक या फिर आप जो हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से देख सकते हैं अब आते हैं हम लोग लास्ट पार्ट पे अगर आप इस फेलोशिप में फिट नहीं बैठते हो आई होप कि सारे लोग फिट बैठते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई भी वर्क एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं रखा है हो सकता है कि आपका आ, मास्टर्स न हुआ आप ग्रेजुएट है तो किस किस फेलोशिप में आप अप्लाई कर सकते हो गांधी फेलोशिप नंबर जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो सेवा फेलोशिप जो अभी चल रही है इस वीडियो को आप देख सकते हो जिसी विषय फेलोशिप जिसका लास्ट डेट है आपका ट्वेंटी मार्च तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो तो इन फेलोशिप्स में अप्लाई करिए और अगर आपको किसी भी सपोर्ट का रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे पास रीच आउट कर सकते हैं ये नंबर दिया हुआ है जहां से जहां पे आप उनके सपोर्ट करेंगे डू अप्लाई और आप अपना ख्याल रखिए खूब ख्याल रखिए पढ़ते रहिए समझते रहिए और अपने करियर में आगे बढ़ते रहिए थैंक यू सो मच अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जिनके लिए काम का हो सकता है थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट